इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया इलेक्ट्रिक कार मार्केट में छाने की तैयारी में है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कंपनी जोर शोर से बातचीत कर रही है। टेस्ला भारत को एक्सपोर्ट बेस के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है और यहां से इंडो पैसिफिक रीजन के देशों में कारें भेजने की योजना बना रही है। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें 20 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च की जाएंगी। दरअसल लंबे समय से टेस्ला कारों का भारत में इंतजार हो रहा है। लंबे समय तक पेंडिंग रहने के बाद इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में आने की योजना आखिरकार कुछ गति पकड़ती दिख रही है। बता दें कि टेस्ला भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक कार की एनुअल कैपेसिटी वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी में है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला कारों की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है। टेस्ला और भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि भारत सरकार समान अवसर बनाए रखते हुए एक अच्छी डील करने की उम्मीद में है। अगर ये योजना सफल होती है तो ये मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को काफी बढ़ावा देगी। मेक इन इंडिया के तहत एप्पल जैसी कंपनियां डोमेस्टिक प्रोडक्शन में निवेश कर रही हैं और भारत को एक्सपोर्ट बेस के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। बता दें कि टेस्ला की कारों की कीमत भारत में मौजूद सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि MG कॉमेट, टाटा नेक्सॉन जैसी कार की कीमत की दोगुनी से भी ज्यादा है। साथ ही बता दें कि भारत में 20 लाख तक के कार फॉक्सवैगन वर्टस, होंडा सिटी, होंडाई वर्ना, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, MG हेक्टर प्लस, इसुजु डीमैक्स जैसी अनेक कार है। लेकिन एलॉन मस्क की टेस्ला के आने के बाद इन सभी कारों की बिक्री पर असर दिख सकता है। बता दें कि अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की 4 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं, जिनमें से मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y शामिल है। वहीं इनमें से मॉडल 3 सबसे सस्ती कार है। अमेरिका में इसकी प्राइस $32,740 यानी करीब 26.87 लाख रुपए है। ये कार फुल चार्ज होने पर 535 किलोमीटर चलती है। आपको बता दें कि टेस्ला के लिए चीन काफी बड़ा मार्केट है और अब अमेरिकी कंपनी की नज़र इंडियन मार्केट पर भी है। वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में खटास आने के बाद से टेस्ला भारत को बड़े अवसर के रूप में भुनना चाहती है और इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए भारत को एक्सपोर्ट बेस बनाना चाहती है। हाल ही में PM मोदी के अमेरिका दौरे में इलॉन मस्क की उनसे अच्छी खासी बातचीत हुई। इलॉन मस्क ने कहा था कि वो मिस्टर मोदी के काफी बड़े प्रशंसक हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये डील आखिरी रूप लेती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।